हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है द वॉयजर रेडी। पिछले दो एपिसोड में हम देख रहे हैं कि हम भंडारदरा आए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले दो एपिसोड से जरूर देखिए। यहाँ पे हमने कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ अभयारण्य, घाटघर डैम, मूरशेत और महाराष्ट्र का सबसे गहरा कैनियन संधन वैली भी हमने देखा। यहाँ पे हमने रिवर्स वाटरफॉल भी देखा और संधन वैली का जो ट्रैकिंग जहाँ से स्टार्ट होता है वो पॉइंट भी देखा। रास्ते में आते वक्त हमने नानी फॉल भी देखा। दोस्तों, ये सब आप अगर मिस किए हो तो ज़रूर पिछले एपिसोड में जाके आप देख सकते हो। और रात को हमारे शेतकारी फार्म हाउस में वो नाइट वॉक भी हुआ जहाँ पे हमने केकड़ा भी देखा। आज हमें पुणे वापस निकलना है, तो चलिए निकलने से पहले इनका फार्म हाउस देख लेते हैं अच्छे से। आइए, यहाँ पे हमें एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस हुआ, आप भी देखिए। ये हमें बहुत इंटरेस्ट कर रहा है, ये जो ट्रेडिशनल वे ऑफ जो मुर्गी को बुला के खाना खिलाने का स्टाइल, बड़ा ही मज़ेदार था। ये ओनर की मम्मी है, माता जी ने हमें ये करके दिखाया। सो हम लोग जो इतना बढ़िया एक स्टे में हम लोग रुके शेतकरी फार्म हाउस करके, तो भंडारदरा के पास, तो ये जो आप लोगों ने जैसा देखा पूरा ये खेत है, इनके बीच में इन्होंने एकदम रॉ, मतलब जो अगर जिनको होटल वाला जो स्टे पसंद नहीं है, होटल वाला खाना पसंद नहीं है, एकदम रियल गांव का लाइफ या मतलब जिस तरीके से एकदम रॉ वाला नेचर के साथ अगर कनेक्ट होना है तो वो ये यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पे जो मैडम है जो ये चलाते हैं, तो मैं उनसे आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। राहणार रामिता चिचोंडी, शेतकरी फार्म हाऊस म्हणून काही मिनटाच्या म्हणजे घोटीपासून काही एक दीड तास अंतरावर आहे। म्हणजे रंदा फॉल वगैरे, स्पीलवे बघण्यासारखी भरपूर ठिकाणी आहेत, तुम्ही येऊन बघू शकतात, आमच्याकडे नक्की भेट द्या। तर आमच्याकडे इथं फार्म हाऊस आहे जास्त करून फॅमिलीसाठी, क्योंकि जे फिरण्यासाठी लोक येतात घरगुती जेवण खाण्यासाठी, म्हणजे आमच्याकडे शक्यतो घरगुती जेवण मिळतो जसं पाहिजे चवीनुसार ते। आमच्याकडे आता इथं बघण्यासारखं खूप निसर्गरम्य वातावरण आहे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं इनके जो फार्म हाउस है, हेलो, इनके फार्म हाउस में एक चक्कर मार के निकल रहे, क्या क्या है देखते हैं। दीदी हमको दिखा रही है, अच्छा उधर चीकू का झाड़ है, यहाँ पे राइस लगी हुई है और ये आलू मतलब अरबी जो बोलते, ये क्या है, जामुल, अच्छा जामुन का पेड़ है। अरे वाह, ये क्या बन रहा है, शीतल मतलब तालाब पानी, पानी साठवण्यासाठी करतो ना। अच्छा, ये तो काम शेतासाठी पण उपयोगी, घरासाठी पण उपयोग करता येतो। अच्छा, ये प्रिजर्वेशन, वॉटर प्रिजर्वेशन किया जा रहा है। हाँ। देखिए इतना अंदर इंटीरियर का घर है लेकिन कितना हाईटेक जो थॉट प्रोसेस है इन्होंने, ये कलेक्शन वाटर, रेन वाटर जैसा हार्वेस्टिंग हो रहा है उस तरीके का ये कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हो पूरा बड़ा सा एरिया, तो यही पानी जो है घर के लिए भी यूज हो जा रहा है और खेती के लिए भी यूज कर रहे हैं। कितना खूबसूरत नेचर है देखिए चारों तरफ। अच्छा, ये देखिए पूरा चावल का खेती हो रहा है यहाँ पे, पूरा एरिया चारों तरफ देखिए कितना खूबसूरत, वादियाँ हैं, पहाड़। आपको भी अगर ऐसा नेचर फील करना है तो नेचर के बीच अगर कनेक्ट होना है तो आप ऐसी जगह पे आके स्टे कर सकते हो। दोस्तों, अभी हम आके पहुँचे हैं विल्सन डैम का व्यू पॉइंट पे। ये रास्ते के मोड़ से आपको ये विल्सन डैम दिख जाएगा जो आर्थर लेक पे बना हुआ है, इसी को ही भंडारदरा डैम भी बोलते हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट से आपको पूरा दिखाई दे रहा है और आसपास आपको छोटे छोटे जो खाने पीने के स्टॉल्स है वो भी आपको दिख जाएगा।
अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और लेकिन हमें भूख भी लगी है। चलिए गर्मा गर्म महाराष्ट्र का फेमस वड़ा पाव खाते हैं और एक प्लेट गर्म भजी भी लेते हैं। मतलब प्याज का पकौड़ी होते हैं, प्याज भजी, कांदा भजी बोला जाता है। अभी तो पहले वड़ा पाव खा लेते हैं। और ये वड़ा पाव और ये कांदा भजी, मतलब प्याज के पकौड़े खाते खाते ये डैम का व्यू बहुत मस्त लग रहा है। चलिए नीचे की तरफ एक डैम के पास जाने का रास्ता है, आइए उस पे चलते हैं। डैम के पास जाने का ये रास्ता मिल जाएगा। ये सामने आपको पार्किंग दिख रही है जो गाड़ियों का, तो यहीं पे हमें शायद गाड़ी पार्क करके आगे जाना पड़ेगा। जी यही जगह है, यहाँ पे से आप जो ये नीचे का रास्ता देख रहे हो इसी में से हम अभी इस डैम के क्लोज पॉइंट पे जाके देखने वाले हैं। चलिए आइए वॉक करके जाते हैं। वाह, इधर तो एक वो डैम का पानी से जो रिवर जैसे बना ये खूबसूरत सा ब्रिज, यहाँ पे बोटिंग भी कर रहे हैं। तो फैमिली के साथ आइए, बहुत खूबसूरत जगह लग रहा है मुझे। यहाँ पे सब लोग एकदम सुकून से मस्त अपने मस्ती में सब नेचर को एंजॉय कर रहे हैं और पानी का रिफ्लेक्शन में ये ब्रिज का एक अलग ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। और ये सामने विल्सन डैम का पानी, यहाँ पे आपको भुट्टा वगैरह बहुत मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। ये एक जियोलॉजिकल पार्क की तरह बनाया हुआ है, चारों तरफ एकदम हाइटेड पेड़ है और छांव जैसा चारों तरफ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, एकदम हरियाली ग्रीनरी, और बीच में से बहुत अच्छे से ये रोड बनाया हुआ है। तो आगे की तरफ चलते। यहाँ पे भी खाने पीने के सारे स्टॉल्स, ड्रिंक्स, फ्रूट जूस वगैरह उपलब्ध है, तो फैमिली लेके आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये खूबसूरत सा व्यू विल्सन डैम का, जो डैम 1910 में स्टार्ट किया था अंग्रेजों के टाइम पे और ख़त्म हुआ था 10 दिसंबर 1926। ये 270 फीट हाई है रिवर बेड से और ये प्रवरा रिवर में बना हुआ है। दोस्तों ये वन ऑफ द हमारे जो कंट्री का ओल्डेस्ट डैम में से आता है और ये सामने अम्ब्रेला फॉल। दोस्तों जब बारिश ज़्यादा होती है तो ये पूरा अम्ब्रेला जैसे दिखता है। बारिश शुरू हो गई है, हम एक शेड में आके रुके हैं, बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। आप तब तक ये व्यूज नज़ारे देखिए। दोस्तों अब वक्त हो चला है इस खूबसूरत प्रकृति से अपने आशियाना यानी पुणे की तरफ बढ़ने का। दोस्तों जब भी कभी मन उदास हो तो निकल पड़ना कुदरत को देखने के लिए। जितनी खूबसूरत ये कुदरत है आपको भी उतना ही खूबसूरत बना देगी। पिछले 3 दिनों से जो हमने ये खूबसूरत पल यहाँ पे बिताए, इन यादगार पलों को हम अपने मन में संजोते हुए फिर वापस अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शायद कुछ दिनों तक तो हमारे मन से यहाँ पे जो बिताए हुए पल है, जो खूबसूरत लोग हमें मिले हैं, इनकी मेमोरीज शायद बार बार याद आती रहेगी। चलिए दोस्तों अभी इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, नए सफर में।